हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बैंकिंग करियर पर। मेरा नाम उमेश यादव है। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क प्री एग्जाम आपका हो गया है। क्या आपको मेन का प्रिपरेशन करना चाहिए? आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम हो गया है, थोड़ा सा लो अटेम्प्ट हुआ, उसके वजह से जो है चिंतित हैं। आप पूछ रहे हैं कि सर, क्या हमें मेन का प्रिपरेशन करना चाहिए? दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में हम लोग जो है बात करेंगे। आपने कितना जो है गुड अटेम्प्ट किया है, तो आपका प्री जो है 100% निकल जाएगा और आप सभी कैंडिडेट के लिए जो है आगे जो है आईबीपीएस क्लर्क में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप सब लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों, आप न्यू कैंडिडेट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सब लोग जो है मुझे अन अकेडमी पर करेंट अफेयर के लिए, करेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए फॉलो कीजिए। डेली 10 PM में क्लास होता है, सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक दिया हूँ, मुझे फॉलो कर लीजिए और डेली क्लास में जो है ज्वाइन कीजिए। और आप जो है एफेयर क्लाउड का PDF जो है जरूर पढ़िए, आपको जो है मैक्सिमम जो है एग्जाम में स्कोर होगा, क्योंकि वहां से जो है आपके एग्जाम में डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको जो है रियल सोर्सेस बता रहा हूँ, मैं आपको कोई प्रमोशन जो है नहीं कर रहा हूँ। आप सब लोग जो है उसको फॉलो कर सकते हैं और मुझे जरूर आप लोग जो है अनअकैडमी पर फॉलो कीजिए। दोस्तों, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट का अटेम्प्ट जो है लो हुआ है, उसके वजह से जो है चिंतित हैं। आप सोच रहे हैं कि मेन का प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, आप सभी को मेन का प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। आपका लो भी अटेम्प्ट होगा, आपका एक्यूरेसी अच्छा होगा, तो आपका प्री जो है 100% निकल जाएगा और आईबीपीएस क्लर्क में आगे जो है वैकेंसी भी ऐड होगा, तो उसका भी आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। लो अटेम्प्ट के बाद भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट का प्री निकल जाता है, मेन के लिए प्रिपरेशन नहीं करते हैं और मेन एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। तो आपका कितना भी अटेम्प्ट हुआ है, आप जो है अभी से मेन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। आपका जो है अटेम्प्ट मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आप सभी के लिए स्टेट वाइज डिटेल जो है कटअप का वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, लेकिन मेरा सभी कैंडिडेट को एडवाइस है कि अभी आप मेन के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो आगे भी आपको जो है जाकर के बेनिफिट मिलेगा। आगे जो है आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आएगा, SBI क्लर्क 2022 में शुरू में ही एग्जाम होगा, तो उन सभी एग्जाम के लिए आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। करेंट अफेयर का टॉपिक है, करेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का टॉपिक है, वो आपको जो है अच्छे से करना है, यहाँ पर आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सभी कैंडिडेट को एडवाइस करूंगा कि आप सब लोग जो है मेन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपने कितना भी अटेम्प्ट किया है, आप उसको भूल जाइए, मेन के लिए प्रिपरेशन कीजिए। आप सब लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। मैं आप सभी के लिए डिटेल वीडियो जो है बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूँ। आप सब लोग जो है करेंट अफेयर के लिए मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू ऑल।